हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत। वेलकम टू अवी स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज हम पैंक्रियास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट एंड दैट इज़ नॉन एज द पैंक्रियास, जिसको कि हम हिंदी के अंदर कहते हैं अग्नाशय। देखिए, ये जो अग्नाशय है ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक मिक्स ग्लैंड है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है और ये एक्सोक्राइन नेचर भी है इसका और एंडोक्राइन नेचर भी है। ओके, तो सबसे पहले आपको इसका मैं लोकेशन बता देता हूँ फ्रेंड, कि बेसिकली पैंक्रियास है कहाँ पर। तो पैंक्रियास जो है, देखो, आमाशय के पीछे स्थित होती है। ये स्टमक के कहाँ है? पीछे स्थित है। लेकिन आमाशय के पीछे कहाँ पर? तो आपको मालूम होना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसका नाम है ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणे। और ड्यूडेनम जो है उसका आकार क्या होता है? यू आकार का होता है, ये देखिए। और उस यू आकार के जो ड्यूडेनम है उसके बीच में आप एक ग्लैंड देख सकते हो, वो बनी हुई है और वो ग्लैंड का नाम क्या है? पैंक्रियास है। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम के दोनों आर्म्स के बीच में स्थित होती है आमाशय के पीछे। ठीक है, नाउ ये जो ग्लैंड है इसका कलर कैसा है? गुलाबी कलर की ग्रंथि है ये। और आप देख सकते हैं कि इसका शेप जो है वो पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप है, अनियमित आकार की ये ग्रंथि है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी तरीके से प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। बेसिकली एक ये मिक्स ग्लैंड है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। आपको पता होना चाहिए मिश्रित ग्रंथि का अर्थ है ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ये दोनों है। ठीक है, इस ग्रंथि की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसका जो वेट है वो 50 to 80 ग्राम्स के बीच में है। ना, जैसे कि मैंने कहा है कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका कौन कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन है और कौन कौन सा पार्ट एंडोक्राइन है। तो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन क्या होता है, ये देखिए। एक्सोक्राइन पोर्शन कौन सा होता है? जो हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, यानी कि ये बहिश्रावी भाग जो है वो हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगा। तो ये वाली जो भाग है ये क्या कहलाता है? ऐसे नहीं होते हैं, बेसिकली फॉलिकल लाइक ऐसे नहीं होते हैं। फॉलिकल पुट्टी के कुछ संरचनाएं होते हैं, जैसे ये संरचनाएं हैं उसको क्या कहते हैं? ऐसे नहीं कहते हैं ये। और ये जो ऐसे नहीं है वो लगभग पैंक्रियास का 99% भाग बनाते हैं। कितना परसेंट भाग बनाते हैं? 99% भाग बनाते हैं। और जो ये ऐसे नहीं होते हैं, बेसिकली ये अग्नाशय रस का श्रावण करते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अग्नाशय रस जो होता है, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, वो डाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि पैंक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट जूस मानते हैं, जो कि उसके अंदर खूब सारे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेशन में मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना रखा है एक, उसमें आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चारों तरफ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं बना रखे हैं ये देखिए, कुछ विशेष प्रकार की फॉलिकुलर सेल हैं ये। ये जो एसिनी होते हैं वो पैंक्रियाट का 99% बना रहे हैं और ये बहिश्रावी हैं, यानी कि हार्मोन सीक्रेट नहीं करेंगे, ये पैंक्रियाट जूस सीक्रेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये यदि मैं एंडोक्राइन पार्ट की बात करूँ, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन की मैं बात करूँ, तो बेसिकली फॉलिकल्स के बीच बीच में यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स पाया जाता है, यानी कि कोशिकाओं का समूह पाया जाता है यहाँ पर एसिनी के बीच बीच में। और इनको हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इनको इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि एक 1869 में एक साइंटिस्ट लैंगरहैंस थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए हम इसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, या लैंगरहैंस के द्वीप समूह कोशिकाएं। ये जो बहुत कम पोर्शन में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, पैंक्रियास का केवल 1% भाग में पाए जाते हैं, 1% भाग में पैंक्रियास में पाए जाते हैं ये। और बाकी आपने देखा था कि 99% भाग एसिनी से बन के मिलकर बना है और 1% भाग एंडोक्राइन पार्ट से मिलकर बना है। अच्छा, जो इसकी जो विशेषता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लस्टर ऑफ सेल्स में 4 सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स,
इसको गामा सेल्स भी कहते हैं, और एक और है पीपी सेल्स, यानी कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस लंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं में चार तरीके की सेल्स हैं, चार तरीके की कोशिकाएं हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा या डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स, या पीपी सेल्स या एफ सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी कहते हैं इन्हें। नाउ जो अल्फा सेल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होती हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, और इनका जो परसेंटेज होता है फ्रेंड्स 15 to 25% है, 15 to 25%। और जनरली देखा गया है कि अल्फा सेल्स जो होती हैं वो पेरीफेरी के ऊपर पाई जाती हैं, यानी परिधि के ऊपर पाई जाती हैं यहाँ पर, और जो बीटा सेल्स हैं उनका परसेंटेज सिर्फ सबसे ज़्यादा है, 60 to 65% इसका परसेंटेज है। जो डेल्टा सेल्स हैं उनका प्रतिशत कितना है, 10% है। अल्फ़ा बीटा और डेल्टा सेल्स तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कुछ ईयर्स के अंदर ये भी देखा गया है कि कुछ और सेल्स भी पाई जाती हैं जिनको जिनको क्या कहा जाता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ठीक है, जिनको कि हम एफ सेल्स भी कहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात एंडोक्राइन सिस्टम की कर रहे हैं तो नेचुरल है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन सीक्रेट करेंगे, है ना। तो ये अल्फा सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स हैं, जो गामा सेल्स हैं, ये क्या सीक्रेट करेंगी, ये अल्फा सेल्स जो हैं वो एक हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और उसका नाम है ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किम्बेल और मेरलिन ने की थी, ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है, किम्बेल और मेरलिन, ठीक है। नाउ बीटा सेल्स जो है, जो कि बीच के मध्य भाग में पाई जाती है यहाँ पर, अल्फा सेल्स कहाँ पाई जाती थी, परिधि में पाई जा रही थी, बीटा सेल्स केंद्रीय भाग में पाए जाएंगे और सेंटर, यहाँ पर सेंटर के अंदर लगभग लगभग। और आप देख सकते हैं ये किस हार्मोन का सीक्रेट कर रही है, इंसुलिन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। इसकी जो खोज है वो किसने फाउंड किया था इसको, बेंटिंग और बेस्ट ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यानी कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, ठीक है। तो थर्ड सेल है डेल्टा सेल, ये क्या सीक्रेट करती हैं, सोमेटोस्टेटिन सीक्रेशन करती हैं, ओके, दे सीक्रेट्स व्हाट, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट बाय बीटा सेल्स, और सोमेटोस्टेटिन रिलीज बाय द डेल्टा सेल्स। तो और ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स जो होती हैं ये एक अन्य प्रकार के सेल्स हैं, और ये आंत में भोजन के अवशोषण में मदद करती हैं फ्रेंड्स। तो आंत में भोजन के अवशोषण में मदद करेगी, ठीक है, इन सेल्स को हम पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स कहते हैं। अब हमको डिस्कस करना है फ्रेंड्स, जो ये ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन है, इट इज़ एक्चुअली सीक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स। आप जानते हैं लंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, अल्फा सेल्स होती हैं, और अल्फा सेल्स से क्या सीक्रेट हो रहा था, ग्लूकागोन से हार्मोन सीक्रेट हो रहा था। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन है वो हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है, हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब होता है, ये आगे भी काम आएगा, इसको पढ़ लीजिए, हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब है ऐसा फैक्टर, जो ऐसा हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। याद रखना फ्रेंड्स, ग्लूकागोन हार्मोन शुगर के ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये बना हुआ किससे, 29 अमीनो एसिड से एक सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। मतलब ये हुआ कि ग्लूकागोन हार्मोन है वो ऐसा प्रोटीन हार्मोन है जिसकी पेप्टाइन चेन के अंदर 29 अमीनो एसिड्स हैं। और एक और बात नोटिस कीजिए, इंसुलिन के ये विपरीत काम करता है, ठीक है, दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। यह तब स्रावित होता है जब रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, ये हमेशा याद रखना, ग्लूकागोन हार्मोन शुगर के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करता है,
अब क्या होगा, जैसे ही रक्त में शर्करा का स्तर कम होगा तो ग्लूकागन हार्मोन सिक्रेट हो जाएगा, तो ग्लूकागन हार्मोन रक्त में शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। ओके, यहाँ पे देखिए, ये जो ग्लूकागन हार्मोन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है इसको समझिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है जो लिवर में होता है उसको प्रेरित करता है ग्लूकागन हार्मोन। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस प्रकार रक्त में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। अब एक और चीज़ देखिए, जो ये हार्मोन जो है ग्लूकोगन हार्मोन, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी प्रेरित करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है आप जानते हैं, लीवर के अंदर स्टोर रहता है ग्लाइकोजन, ठीक है, पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर बढ़ेगा तो वापस क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। बस करवाता है ग्लूकागन हार्मोन लिपिड का भी ब्रेकडाउन करवाता है। लिपिड ब्रेकडाउन होके किस में टूटेगा, फैटी टिश्यू के अंदर टूट जाएगा, ठीक है, तो ये लिपोलाइसिस को प्रेरित करेगा, ठीक है। तो ये सब जो रोल है ग्लूकागन हार्मोन का, ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए फ्रेंड्स आप। अब आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो इंसुलिन हार्मोन। सबसे पहले जो, तो ये इंसुलिन हार्मोन किसका प्रोडक्ट है आप जानते हैं, आइसलेट ऑफ लैंग्रहेंस के अंदर बीटा सेल्स होती हैं और उन बीटा सेल्स से क्या रिलीज होते हैं, इंसुलिन होता है। इसका इसका मॉलिकुलर वेट 6000 है। इसको मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, जो आणविक इसकी संरचना है, वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे A.F. सेंगर, ठीक है, इन्होंने दिया था। और इसकी जो टर्म इंसुलिन भी A.F. सेंगर ने ही दिया था। इंसुलिन हार्मोन एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन है जिसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था, उसके रवे भी बनाए गए थे, ठीक है, क्रिस्टल भी बनाए गए थे। ओके, और ह्यूमन इंसुलिन को किसने सिंथेसाइज किया था, शैन करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को सिंथेसाइज किया था। और हम सब जानते हैं ह्यूमन इंसुलिन को क्या कहते हैं, ह्यूमेलिन कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इंसुलिन का जो एक अणु है उसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ग्लूकागन के हार्मोन कितने देखे थे, 29 अमीनो एसिड देखे थे ना वहाँ पर, तो वैसे यहाँ पर इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब 51 अमीनो एसिड्स कैसे हैं, तो एक्चुअली इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर आप नज़र डालेंगे तो उसके अंदर दो चेन होती हैं, चेन ए और चेन बी, ठीक है। इसको कभी कभी अल्फा और बीटा सेल्स भी कहते हैं, किसी किसी किताब में आपको मिलेगा ऐसा, तो कंफ्यूजन मत करना फ्रेंड्स, ठीक है, चेन और चेन बी। तो चेन ए के अंदर 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन बी के अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। 21 प्लस 30 इज इक्वल टू 51 अमीनो एसिड्स। ये दोनों चेन जो हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है इतना इम्पोर्टेंट हार्मोन है कि आपको इसके फंक्शन भी इसके मालूम होने चाहिए। तो इसके फंक्शन क्या हैं, अब फंक्शन ऑफ इंसुलिन देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले तो इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस को प्रेरित करता है, ठीक है। सेकंड है प्रमोट लिपोजेनेसिस एंड इनहेबिट लिपोलाइसिस, ठीक है, लिपोलाइसिस को रोकता है। तीसरा है इंसुलिन कीटोन बॉडीज के निर्माण को रोकता है, ठीक है, कीटोन बॉडीज के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में। ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना मतलब, ठीक है, उसको रोकता है। ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस को रोकता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रेरित कर ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को प्रेरित करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंसुलिन के। अच्छा, ये लिपोलाइसिस का मतलब क्या है, तो वहाँ पे क्या देखा था, ग्लूकागन में लिपिड के ब्रेकडाउन में बढ़ावा दे रहा था, ये लिपिड के ब्रेकडाउन को नहीं होने देता, वो बढ़ावा दे रहा था और इंसुलिन नहीं होने देता। लिपोलाइसिस को तो इनहिबिट करता है ये, लेकिन लिपिड के निर्माण को, लिपोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था
क्या था, ग्लूकागन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन। तो लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, यदि इंसुलिन हार्मोन शरीर में कम श्रावित हो जाए तो क्या होगा, और अधिक श्रावित हो जाए तो क्या होगा। तो अब हमको पढ़ना है कि इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा और हाइपरसिक्रेशन से क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको देखिए लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। इंसुलिन का अपश्रवण, जब भी इंसुलिन का अपश्रवण होता है तो डायबिटिस मिलेटिस रोग कहते हैं, जिसको कि हम आम भारतीय भाषा में शुगर डिजीज के नाम से जानते हैं। जैसे ही इंसुलिन कम होगा तो नेचुरल है कि शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और शुगर का लेवल बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, है ना, रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा। जब अल्पश्रावण होता है तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जैसे ग्लाइकोज यूरिया जैसे कि नेम शो कर रहा है, ग्लूकोज मूत्र के साथ में उत्सर्जित होगा, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज मिलाइटिस का। दूसरा पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, बहुमूत्रता, एक्सेस इन यूरिनेशन, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज इन यूरिन, यूरिन के साथ में शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर की भी कमी हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया। इतना ही नहीं, पॉलीयूरिया के साथ यदि वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उस पेशेंट के अंदर पॉलीडिप्सिया का मतलब है वाटर का लॉस ज़्यादा होगा तो पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, एक्सेस ऑफ थ्रस्ट लगेगी, इसको कहते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया के साथ ही पॉलीफेजिया भी लक्षण है, पॉलीफेजिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हंगर, एक्सेस इन हंगर, बहुत ज़्यादा उस पेशेंट को क्या लगेगी, भूख लगेगी, बहुत खाना खाएगा वो। और कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया का मतलब क्या है, यूरिन के साथ कुछ टॉक्सिक कीटोन बॉडीज का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये तो ये है कि इंसुलिन जब कम सिक्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, अब डायबिटिस मिलेटिस रोग हो जाएगा, राइट। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो बॉर्डर लाइन के ऊपर आ रहे हैं डायबिटीज़ की, और ये एक बड़ा आम सा रोग हो चुका है। इस रोग को, ये रोग जो है पूरी तरीके से ठीक कभी भी नहीं किया जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये रोग जो है किडनी के ऊपर असर डालता है, राइट, आईसाइट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर असर डालता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ पेशेंट जो है खाने से पहले इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो सवाल उठता है कि मरीज को इंजेक्शन से देने की ज़रूरत क्यों है, ऑरली दे दो, मुँह के या गोली के द्वारा दे दो। लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कारण यह है कि अगर ऑरली देंगे, इंसुलिन को ऑरली देंगे तो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, यदि इंसुलिन को ऑरली देंगे तो वो दूसरी प्रोटीन की तरह आहार नाल में जाकर क्या होगा, बच जाएगा, तो उसकी प्रभावितता कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, ठीक है, ताकि ये आहार नाल में ना जाए और सीधा रक्त में पहुंच जाए और सीधा शरीर में मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ हाइपोसिक्रेशन, अब कभी कभी उल्टा हो जाता है, यानी कि इंसुलिन का क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, मतलब इंसुलिन जरूरत से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सिक्रेट हो जाएगा, तो इंसुलिन का क्या हो जाएगा, अतिश्रावण। तो जहाँ पर जैसे ही इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन होगा तो ग्लूकोज का जो स्तर है वो रक्त में क्या हो जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से गिर जाएगा, और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज के लेवल का गिरना क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं रक्त से ज़्यादा ग्लूकोज को ले लेती हैं, तो सोचो जरा, तो बॉडी की सेल्स हाइपर सिक्रेशन, इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन होगा तो हाइपर सिक्रेशन से ग्लूकोज का स्तर रक्त में गिरेगा। अब रक्त में क्यों गिरेगा, क्योंकि शरीर की जो कोशिकाएं हैं रक्त से ज़्यादा मात्रा को ग्लूकोज से ले लेगी, तो नेचुरल है तो ब्लड लेवल को, ब्लड के शुगर का लेवल है गिरेगा, तो ब्लड के अंदर जब शुगर का लेवल इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि तंत्रिका नर्वस सिस्टम है और जो आँख का जो रेटिना है और जो जेनाइटल जो एपिथेलियम है, जो अन्य उपकला है, उसको ग्लूकोज की पूर्ति नहीं हो पाएगी, और जब ग्लूकोज की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो रोगी अपनी जो जनन क्षमता है, जो आईसाइट है, वो खो देगा, ठीक है। कभी कभी तो ये इतना ब्लास्टिक हो सकता है कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट हमने फिनिश कर दिया, जल्दी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर देंगे, अब उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।